अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फिज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गोहर पब्लिशर में आप सबको खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल सोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और हमारी किताब का नाम है गोहर ग्रेस उर्दू नर्सरी 4+। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सफ़ा नंबर 2 पे हरूफ तहजी। आइए मिलकर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोए, जोए, आइन, गैन, फे, काफ, 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 लाम, मीम, नून, वाओ, हे, हमजा, छोटिए, बड़िए। जी, आखिर में हमारे पास मौजूद हैं भारी आवाज़ वाले हरूफ, जिनकी आवाज़ भारी होती है, जिनको भारी आवाज़ से बोला जाता है। जैसे कि हम बे बोलेंगे तो उसमें आवाज़ भारी नहीं होगी, लेकिन जब हम बे के साथ हे की दोस्ती करवाएंगे, आप अपनी गर्दन पे उंगली रखेंगे और देखेंगे कि बे बोलने से हमारी आवाज़ भारी नहीं होती, लेकिन जब हम बे को हे के साथ मिलाएंगे, बे की हे के साथ दोस्ती बनाएंगे, तो वो हो जाएगी भ भ। आप इसको उंगली को गर्दन पे रख के महसूस कर सकते हैं कि आवाज़ कैसे आ रही है हमारी, भ भ। भ के बाद हमारे पास मौजूद है फ। पे की दोस्ती हमने यहाँ पे करवाई हे के साथ, फ। यहाँ पे ते की दोस्ती हमने फिर से करवाई दो चश्मे हे के साथ, और ये हो गया थ। इसके बाद ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ळ, ख, घ, ल, न। जी बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्यारा सा तालिबे इल्म है वो कैसे पहुँचा अपने स्कूल में हरूफ तहजी की मदद से। तो इसको दोहराते रहें किसी बड़े की मदद से, ताकि आप लोग की रवानी बनी रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।